मैंने VS कोड ओपन कर लिया और लास्ट क्लास जो हमारी थी क्या था यार नाम उसका B9 था ना। अच्छा ये मैंने वो फोल्डर ओपन कर लिया। अच्छा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होस्टिंग बताई थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा और। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, कुछ HTML के टैग्स वगैरह बना लेता हूँ। और बल्कि HTML का टैग बनाने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको एक दफ़ा ना पुल करना होगा। सही है, पुल क्यों करना होगा, पुश तो आपने सबने सीखा है, मुझे पुल इसलिए करना होगा कि इस रिपॉजिटरी में मैंने डायरेक्टली जाके github.com पे चेंजेस कर दी थी लास्ट क्लास में। एक लाइन लिखी थी लेकिन वो क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था, तो मुझे यहाँ पे मज़ीद कोई चेंजेस करने से पहले क्या करना होगा, उसको पुल लेना होगा। ठीक है, तो पुल की जो कमांड है वो आप टर्मिनल पे भी लिख सकते हैं। पहले तो क्लियर करूँ मैं, गिट पुल ये कमांड है इसकी। और ठीक है, जैसे ही मैंने गिट पुल चलाया आप देखें ये लाइन अपेयर हो गई आउट ऑफ नोवेयर। और ये पुल जो है ना, इसने मुझे क्या बताया कि भाई ये वन फाइल वॉज चेंज, दो लाइनें उसमें इंसर्शन हुई थी, दो लाइन उसमें से डिलीट हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन समझता है, गिट को नहीं पता कौन सी लाइन में कोड है या नहीं है। अगर लाइन एम्प्टी भी हो तो उसको समझता है कि ऐड हुई है या रिमूव हुई है। तो ये मैंने पुल कर लिया। अगर ये मैं पुल नहीं करता इसको तो क्या होता, जब मैं चेंजेस करके पुश करने की कोशिश करता तो वहाँ पे एक चेंज अलग से पड़ा हुआ था, यहाँ पे एक चेंज अलग से कर दिया मैंने, तो इसके ना दो मुंह बन जाते हैं। सही है, तो उससे बचने के लिए मैंने इसको पहले पुल कर लिया। ठीक है, तो आज आपने एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लिया कि अगर आपने github.com पे डायरेक्ट जाके चेंज कर दिया है तो आप क्या करेंगे, लोकल वाले पे आके आप गिट पुल की कमांड चलाएंगे या फिर उसका नया क्लोन ले लेंगे आप। अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, तो आप उस वाले को छोड़ के एक नया क्लोन लेके उस पर काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और मैंने एक H2 लगा दिया कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। और एक और मैं इस पर लाइन लिख देता हूँ कि आई एम गोइंग टू होस्ट दिस वेब पेज ऑन गिटहब पेजेस फॉर फ्री। राइट, हम जहाँ पे उसको होस्ट करने जा रहे हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको करके भी दिखाया था, वो क्या कहलाता है, गिटहब पेजेस कहलाता है। और गिटहब पेजेस आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी वेब पेज फ्री में वहाँ पे होस्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा, एज लॉन्ग एज कि आपको वो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए या लर्निंग पर्पज़ के लिए चाहिए, उसमें अपना कस्टम डोमेन फ्री में अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, डोमेन के बारे में हम लास्ट जो शुरू वाली क्लास थी जिसमें इंटरनेट को डिस्कस किया था, उसमें हमने डोमेन नेम को डिस्कस किया था कि ये क्या चीज़ होती है। ये जस्ट लाइक अ एक सिम जैसे हम ख़रीदते हैं, मुझे अब एक मेरी पसंद का नंबर है कि भाई 0321 और 12345, जैसे बाइकिया वालों का आप नंबर देखें वो 1234567 ऐसे करके हैं, तो ऐसा वाला नंबर अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं फ्रेंचाइज जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये नंबर दो, वो मुझसे पैसे लेते हैं, मुझे नंबर इशू कर देते हैं। इसी तरीके से डोमेन नेम्स भी होते हैं। अब मुझे एक नंबर पसंद आया facebook.com, तो मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा मुझे ये नंबर इशू कर दें, तो वो मुझे क्या बोलेंगे, ये नंबर पहले ही किसी को इशू किया जा चुका है। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि फेसबुक को छोड़ के मुझे handbook.com दे दो अगर वो है तो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी वो मुझे इशू कर देंगे और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। वंस मैं ये होस्टिंग का प्रोसेस कर लूँ फिर उसके बाद मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो गिटहब पेजेस में अगर आप कस्टम डोमेन अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो पैसे चार्ज करता है, वो फ्री में आपको अलाउ नहीं करता। अच्छा, गिटहब पेजेस पे जहाँ पे अभी हम होस्ट करने जा रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट दी ओनली होस्टिंग प्लेटफॉर्म, हज़ारों की तादाद में ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट पे मौजूद हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर दें। ठीक है, और उनमें से कुछ फ्री में भी अलाउ करते हैं, कुछ ट्रेल पीरियड। देखें, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, क्लाउड में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। जब आप, क्योंकि जाहिर है किसी की मशीन है जो क्लाउड पे पड़ी हुई है एज अ सर्वर, आप उस पर अपनी रिसोर्सेज रख रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, तो वो अल्टीमेटली वो यू आर गोना पे फॉर दैट। फ्री नहीं है क्लाउड पे, कुछ भी फ्री नहीं है, चाहे गूगल आपको ट्रेल दे रहा है छोटा सा
या GitHub पेजेस वाले आपको कह रहे हैं कि चलो फ्री में थोड़ा सा ले लो, वो जस्ट इस वजह से दे रहे हैं कि अपनी मार्केटिंग के लिए, ताकि जाहिर है जब स्टूडेंट सीख रहा होगा वो फ्री में उसको यूज़ करेगा तो उसको यूज़ करने की आदत हो जाएगी, फिर जब उसको कोई क्लाइंट मिलेगा, जब वो किसी कंपनी में जाएगा तो उसी का वो शायद पेड वर्जन यूज़ करने में टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हो, तो वो इस वजह से दे रहे होते हैं। अदरवाइज़ क्लाउड में एवरीथिंग इज़ पेड, और बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पेमेंट है, चीपेस्ट ऑप्शन है इस वक्त, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन दीज डेज। आप ख़ुद पे भी घर पे अपना सर्वर खड़ा कर सकते हैं, उसको इंटरनेट की कनेक्शन लगा दें, उसमें पावर UPS लगा दें आप, वो भी इस बार ऑफ वर्क, बट दैट इज़ अ कॉस्टली ऑप्शन। ठीक है, कॉस्टली ऑप्शन। अब इसके, अब ये पूरी एक लंबी डिटेल है, जब इंशाल्लाह हम सर्वर शुरू करेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि वाई क्लाउड, क्लाउड पे ही हमें क्यों जाना है, हम अपना घर पे सर्वर जब लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो कैसे ज़्यादा है वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। वेल, तो अभी हम इसको GitHub पेजेस पे होस्ट करने जा रहे हैं फॉर फ्री। हम कुछ 1-2-3 और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर होस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट को इन फ्यूचर। ठीक है, जिसमें सर्ज, नेटलीफाई, फायरबेस होस्टिंग ये शामिल है। ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए, तो वक्तन फवक्तन जब हम इस पर थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा हमारा, तो हम एक सर्विस कोई और भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब बिरयानी एक तरह की खा रहे हैं तो कोई दूसरे तरह की भी ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम 2-3 सर्विसेज को ट्राई करेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वाली बेहतर है आपके लिए। अच्छा, तो ये मैंने कोड लिख दिया अपना सारा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी अभी तक जो हमने की है। हमारे पास इस रिपॉजिटरी में जो हमने शायद पहली क्लास या दूसरी क्लास में बनाई थी, इसमें टोटल 2 फाइल्स हैं, एक index.html की फाइल है, दूसरी एक टेक्स्ट फाइल है जिसको मैं बाद में डिलीट कर सकता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की। अच्छा, इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक, फाइल का नाम index.html ही होना चाहिए। ठीक है, और फाइल आपकी ना रूट पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से अगर आपने फाइल का नाम index.html कैपिटल आई से कर दिया तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, या आपने इंडेक्स की स्पेलिंग चेंज कर दी या किसी और अपने mycv.html कर दिया तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी होस्टिंग सर्विसेज हैं वो क्या तलाश करती हैं, रूट फोल्डर में एक इंडेक्स के नाम की कोई फाइल तलाश करती हैं। ठीक है, .html भी नहीं, क्योंकि आप HTML पे कर रहे हैं, तो इंडेक्स के नाम की वो फाइल तलाश करती है रूट पर तमाम होस्टिंग सर्विसेज। अच्छा, हाँ हाँ, बाई मिस्टेक कुछ और कर दें तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपने इसे फोल्डर बनाया हुआ है, आपने फोल्डर बनाया हुआ है कि भाई माई वेबसाइट ऐसे करके, और उसके अंदर अगर ये आपका इंडेक्स पड़ा हुआ है ना, ऐसे अगर हुआ हुआ है, अगर किसी के पास भी इस तरह की कोई सिचुएशन है कि index.html की फाइल कहाँ है, किसी फोल्डर के अंदर है, तो ये भी काम नहीं करेगा। आपके index.html की फाइल रूट पे होना ज़रूरी है। ये मैं इसको रूट पे ले आया, इस फोल्डर को मैंने वापस डिलीट कर दिया, रूट पे ये फाइल index.html होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ये 2 चीज़ों का मैंने ख्याल रखा। ठीक है, एक तो नाम और एक इसकी प्लेसमेंट। तीसरा, मैंने कुछ HTML का कोड लिखा है, जो मैं लिखूँगा वही मुझे विजुअली वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको github.com पे पुश कर देना है। पुश करने के लिए 3 कमांड्स जो हमने बताई थी, git add डॉट के मतलब तमाम चेंजेस जो भी इस वक्त मौजूद हैं सबको क्या कर दो, डब्बे में डाल दो रवाना करने के लिए। ठीक है, फिर उस डब्बे का कुछ नाम मुझे रखना होगा कि भाई इसमें मैंने क्या काम किया। तो मैंने कहा git commit -m, ठीक है, just a heading। ठीक है, मैंने जस्ट एक हेडिंग डाली है तो मैंने वो लिख दिया। आमतौर पर इस मैसेज में आप वो लिखते हैं कि इसमें आपने काम क्या किया है। मिसाल के तौर पे आपने जब आप काम कर रहे होते हैं, एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने नेविगेशन बार कंप्लीट कर लिया, उतने को आप पुश कर देंगे कमिट करके। ठीक है, और उसमें आप लिख सकते हैं मे बी कि नेविगेशन बार मैंने बना लिया। ठीक है, आप लंच ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, जो भी काम आपने किया हुआ है वो आप पुश करके उठेंगे। कभी भी ये आदत डालें आप अभी से कि आप आज के बाद जो भी काम करेंगे आपने अपने कंप्यूटर में उसको नहीं छोड़ना है। जब भी कोई टास्क, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट आप शुरू करेंगे तो वो github.com पे रिपॉजिटरी बनाने से शुरू करेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस रिपॉजिटरी को क्लोन करके उसी में काम करेंगे। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करने लगेंगे उसको पुश करके उठेंगे आप। ठीक है, ताकि एक कॉपी उसकी क्लाउड में चली जाए, क्योंकि वो फ्री में आपको दे रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, बाय द वे github.com का पेड प्लान भी है, लेकिन आपको फ़िलहाल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब होगी तो फिर देखेंगे। तो ये मैंने git add, git commit कर दिया, उसके बाद git push लिखा, तो ये सारी की सारी चेंजेस कहाँ चली गई, github.com पे जाके सेव हो गई।
अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाता हूँ ज़रा github.com और मेरी प्रोफाइल और वो रिपॉजिटरी खोलने की कोशिश करता हूँ। ये है वो रिपॉजिटरी, क्योंकि मैंने फ़ौरन अभी इसमें चेंजेस अपडेट किए हैं तो ये ऊपर आ रही है टॉप में। इस पर मैंने क्लिक किया और index.html की फ़ाइल में खोल के चेक करता हूँ। ठीक है जी, वो चेंजेस यहाँ पे अपेयर हो चुकी है जो मैंने वहाँ से भेजी थी। अच्छा, यहाँ तक का काम वो काम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें पता है। अब जस्ट एक एक्स्ट्रा काम करना है जिससे हमारी होस्टिंग क्या हो जाएगी कंप्लीट। सेटिंग में जाऊंगा मैं इस रिपॉजिटरी के, उसके बाद पेजेस में जाऊंगा। अच्छा, पेजेस में जब आप आएंगे तो इस जगह पे ना जो ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ होगा नन, ऐसे नन लिखा हुआ होगा। ठीक है, नन लिख के मैं उसको सेव कर देता हूँ। ऐसा आपको इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं उसको चेंज कर चुका था इसलिए पहले से चेंज है। आपने इसको जाना है खोल के मेन पे चेक लगाना है और सेव का बटन दबा देना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे तो इस जगह पे ना थोड़ी देर में इस वेब इसका जो होस्टिंग का यूआरएल है वो बन के अपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप एक्शन में जाके भी देख सकते हैं कि वो होस्टिंग का जो प्रोसीजर चल रहा है ये इस वक्त प्रोसीजर है जो घूम रहा है। ठीक है, ये उसको बिल्ड वगैरह कुछ कर रहा है, इंटरनल इनका प्रोसीजर है। तो इसके कंप्लीट होने का हम वेट करेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे भी यूआरएल दिख जाएगा और वो पेजेस वाली सेटिंग में भी दिख जाएगा। इसको मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, मे बी वो अपडेट ना हो रहा हूँ। अच्छा, ये डिप्लॉय देखें कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी मुझे यूआरएल नज़र आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, बट मैं वापस सेटिंग में चला जाता हूँ टू कीप इट सिंपल। और यहाँ पे आप देखें ऑटोमेटिकली ना लिंक नज़र आ गया आपको। आपने क्या करना है, ये विजिट साइट का बटन प्रेस करेंगे आप तो ये वेबसाइट आपको खुल के नज़र आ गई, जो जिसका भी कोड लिखा था मैंने। अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है, ये वेबसाइट तो बन गई, ये यूआरएल भी आपको मिल गया, आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है। ठीक है, क्योंकि ये यूआरएल आपने अपने यूज़र को भी दिखाना है, कहीं ना कहीं इसको सेव करना पड़ेगा आपको। तो मैं वापस जाता हूँ अपने रिपॉजिटरी के मेन पेज पे, और यहाँ पे अबाउट जो लिखा हुआ है, अबाउट के साथ एक छोटी सी सेटिंग का गेयर आइकन बना हुआ है, यहाँ पे जाऊँगा मैं, वेबसाइट वाला जो खाना है उसमें ये यूआरएल मैं पेस्ट करके सेव कर दूँगा। इससे क्या होगा कि ये मेरे पास लिंक यहाँ पे अपेयर होता हुआ नज़र आ रहा होगा हर वक्त, तो जैसे ही कोई मेरी रिपॉजिटरी पर आएगा तो उसको ये लिंक नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इसको वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकता है। अच्छा, कुछ जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ सेकंड टाइम। तो कुछ लोगों ने बना लिया है और उनसे हो गया, जिनमें ये चार लोगों ने अच्छा बनाया तो मैंने इनको ज़रा कहा कि ये रिकॉर्ड पर भी आ जाए, आप लोगों को भी दिख जाए। तो नंबर एक हमारे पास है हसनैन खत्री, कौन है ये, आप हैं, गुड यार। अच्छा, नंबर टू हमारे पास कासिम है, कासिम कौन है, वो बैठे हैं उन्होंने, गुड यार, वेल डन। अच्छा, और हमारे पास है करण कुमार, करण कुमार आपने तो बड़ा अच्छा बनाया यार, आप मेरा ख्याल है वेब डेवलपमेंट पहले से करते रहे, ऑनलाइन आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है पहले से, गुड यार, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें आपके जो फ़ोन नंबर वगैरह वो रियल डला हुआ है असली, तो इससे आपको कोई कॉन्टैक्ट भी कर सकता है अगर करना चाहे तो, किसी को भी हायर करना होगा इनको तो फ़ोन कर सकता है। अच्छा, हमारे पास है अनीस वकास अहमद, लास्ट कौन है ये, आप हैं, गुड यार, वेल डन, अच्छा बनाया आपने। अच्छा जी, तो ये चारों ने बना लिया है, और बाकी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है वो प्लीज़ इसको बना लीजिएगा, और बना के इसकी सबमिशन यहाँ पे करना है आपने air.sysborg.com, क्लास आईडी आपकी है B9, और यहाँ पे आप लिंक लिख के और एंटर करेंगे तो ये मुझे नज़र आ जाएगा।